डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पिछले क्लास में भी पढ़े थे और आज भी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 42 होगा और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया की। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और इसके साथ ही हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना सिखाएंगे किसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। हमने लास्ट क्लास में आपको जो बात किया था उसमें हमने आपको सेंट्रॉयड के बारे में बताया था। बेसिकली सेंट्रॉयड में हमने ये बताया था कि कोई भी प्लेन है या प्लेनर एलिमेंट है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। और डिफरेंट सेक्शन कौन कौन सा सेक्शन बताए थे आपको, स्टैंडर्ड जो सेक्शन है जनरली आपका एल सेक्शन होगा, ठीक है, एच सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा, ठीक ना, और टी सेक्शन होगा, सेमी सर्कुलर सेक्शन होगा। तो दीज आर दी सेक्शंस। अब इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है और इनका जो है सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं ये हमने बताया था कि एक्स बार निकालने के लिए A1X1 एलिमेंटल एरिया, स्ट्रिप की एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो X1, X2, X3, X4 और यहाँ पे टोटल एरिया, ठीक है ना। तो एक्स बार निकल गया। सिमिलरली आपका वाई बार भी इस तरह से बताए थे। ये चूंकि आपने 11th 12th क्लास में भी पढ़ा है तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए थे, फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था। आज इसी को एक्सटेंड करते हुए यदि हम देखें तो बेसिकली आप समझ पाएंगे कि आप बचपन में एक पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जनरली मोमेंट कहने का मतलब ही होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये होता था कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये यदि हिंज है और इसके ऊपर आप लोड लगाते थे फोर्स, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस को आर्म बोलते हैं थे या फलक्रम बोलते थे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकालते थे, F इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझिएगा ध्यान से। अब वहाँ पर तो फोर्स निकालते थे चूँकि फोर्स लगा रहे थे, लेकिन जब सेंट्रॉयड निकाल रहे थे तो आप देखे थे कि कोई हमारा एक एक्सिस है, कौन सा, एक्स वाई, और इसके अंदर जो है कोई एलिमेंट है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं A1, A2 ये सब। और यहाँ पर आप देखे थे कि इसका डिस्टेंस इधर X1 है, इधर से आपने ले लिया था Y1, ठीक ना। इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि x है और इसका डिस्टेंस y है, सब कुछ कर लीजिए। तो यदि आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला तो हम क्या यहाँ पर मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस x, ठीक है। अच्छा मोमेंट मतलब क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ एरिया। अच्छा यदि हम बोले आपको कि आप निकालिए मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया, तो मोमेंट ऑफ एरिया कितना था आपका, ए एक्स था या नहीं अभी, ए एक्स, और मोमेंट ऑफ एरिया आप निकाल रहे हैं तो क्या कर लेंगे आप, इसका एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, क्या बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए ये आपने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, शॉर्ट में इसको MI लिखते हैं या सिंपल आई लिखते हैं। तो आई तो आपने निकाला ए एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपने कहाँ से लिया था, वाई एक्सिस से लिए थे कि नहीं, वाई एक्सिस से निकालेंगे तो एक्स आएगा, एक्स डिस्टेंस। अच्छा एक्स एक्सिस से जब निकालेंगे, एक्स एक्सिस से, तो यही क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्स के अबाउट लेंगे तो वाई डिस्टेंस लेंगे, और जब वाई के अबाउट लेंगे तो एक्स डिस्टेंस लेंगे। अरे बात समझ में, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया। अबाउट, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो हमेशा एक रेफरेंस एक्सिस आएगा, क्या आएगा,
एक रेफरेंस एक्सिस आएगा, विदाउट रेफरेंस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्सिया हैज नो एनी मीनिंग, ठीक हैज नो एनी मीनिंग, ठीक है। तो अब यहां पर आप निकालेंगे आई एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू वाई का स्क्वायर, याद रखिए। और यदि आप आई वाई वाई निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्या यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो क्या है एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या होगा अगेन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर टू द पावर फोर या सेंटीमीटर टू द पावर फोर हो जाएगा, या हम कहें तो एल टू द पावर फोर, लेंथ का टू द पावर फोर होगा, यही होगा ना। अब जो है ये तो यूनिट्स आप ध्यान दीजिए। उसके बाद यदि हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्या स्कोप ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ध्यान दीजिए कि जो स्कोप है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, सबसे पहला तो ये देता है आपको ज्योमेट्रिकल स्ट्रेंथ, बाई ज्योमेट्री ज्योमेट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कोई बॉडी जो है एक तो मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ कुछ बॉडी ऐसे होते हैं कि ज्योमेट्रिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। देख करके ही आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे कई जगह आप पोल देखते होंगे तो कई जगह आई सेक्शन यूज करते हैं हम लोग, कई जगह एच सेक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब कि सर्कुलर सेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग ये होता होगा, ठीक है। कई जगह सॉलिड सेक्शन यूज करते हैं, हॉलो सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वही शेप हम क्यों लिए, क्योंकि उस शेप के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होता होगा, ठीक है। और ये हम लोग कंपेयर करेंगे भी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रेंथ, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जहां भी रोटेशनल बॉडी आएगा, ठीक है ना, रोटेशन आएगा, ठीक है ना, तो रोटेशनल में हमेशा जहां पर कि लीनियर में, ठीक है ना, रोटेशनल बॉडीज में हमेशा ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया लेते हैं। जैसे कोई लीनियर बॉडी है, ठीक है ना, कोई लीनियर बॉडी है, अब यदि लीनियर बॉडी मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, यहां पर ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका जो है आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यही यदि कोई एक जो है स्फेयर है और ये रोटेट करते हुए, ऐसे रोटेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर आप यदि निकालते हैं तो क्या आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये आई जो है रोटेशनल बॉडी के लिए यूज होता है, रोटेशनल बॉडी जहाँ पर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोटेशनल बॉडी जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर हमेशा ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया रोल में आता है, और ओमेगा क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक आप और पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई, ठीक है ना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना, एम क्या हो जाता है मास, लीनियर मास, और ये क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और ये के क्या होता था रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो के इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आई बाई एम, स्क्वायर रूट आई बाई एम, तो दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, ठीक है। अभी इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जो आगे चल करके आपको बताएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्शन,
ठीक ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्शन की यदि बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्शन की यदि बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाल करके बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन की यदि हम बात करें तो अब जो भी आप बचपन से लेकर के अभी तक पढ़े हैं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर है और ये आमने सामने बराबर है, लेकिन यही यदि चारों बराबर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि चारों बराबर हो हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेक्शन, ठीक ना। आप इसी में जो है ट्रेंगुलर सेक्शन, ठीक है, अब ट्रेंगुलर सेक्शन में भी यदि हम बात करेंगे तो आइसोसेलस हो सकता है, ठीक है, एस्केलिन ट्रेंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल हो सकता है, ठीक ना। व्हाट एवर विद द सिचुएशन दैट वी विल कंसिडर एट दैट टाइम व्हेन वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। उसी तरह से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे आप, जो है सर्कुलर सेक्शन, ठीक ना, सेमी सर्कुलर सेक्शन, ठीक ना। एक ही सर्किल को फोर पार्ट्स में आप बांट दीजिए तो क्वार्टर सर्किल हो जाएगा कि नहीं। इसके अलावा ट्रेपेजियम आपको मिल सकता है, ट्रेपेजियम सेक्शन, ठीक है, ट्रेपेजियम सेक्शन इज आल्सो वन सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, रोम्बस हो सकता है। इन सब का आपको जो है सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ सेक्शन है वह क्या है, जो यूज होता है वही हम बता रहे हैं, टी सेक्शन होता है, एल सेक्शन यूज होता है, ठीक है ना, एच सेक्शन यूज होता है, एच सेक्शन यूज होता है, ठीक ना, आई सेक्शन यूज होता है, ठीक ना। ये सब जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि इसमें कुछ को वेब बोलते हैं, किसको फ्लेंज बोलते हैं, ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन में ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो है बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक ना। उसके अलावा जो है एस सेक्शन भी होता है, एस सेक्शन भी होता है, ठीक ना। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड सेक्शन दैट वी विल कम अक्रॉस इन दी सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अलावा ये सब कुछ कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, कि जैसे आपका कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, सेमी सर्किल है, इधर आपका क्या है, ट्रेंगल है, ठीक है। तो दीज आर दी सेक्शन दैट वी हैव टू कम अक्रॉस, ठीक है। इसके अलावा आइए अभी हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया समझें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताएंगे, लेकिन इसका एक जो है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलिए सर निकालते कैसे हैं, तो जस्ट वही बता रहे हैं कि कोई आपका सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में, ठीक ना, ये क्या है आपका विड्थ है, ब्रिड्थ है बी, और ये क्या है आपका डेप्थ है डी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक ना, ये मिड पॉइंट हो गया मान लीजिए आपका, ये क्या हो गया मिड पॉइंट, और यहाँ पर एक छोटा सा पहले स्ट्रिप ले लेते हैं, इस स्ट्रिप का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और देन व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझिएगा, पहले ये बी है और यदि हाफ इसको डिवाइड कर दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा डी बाई टू, और ये डी बाई टू हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर एट ए डिस्टेंस जो है वाई पर एक ये जो इसकी थिकनेस है वो क्या है डी वाई, तो इसकी एरिया क्या होगी, हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया
अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्स। ठीक है ना, अबाउट एक्स एक्स यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी विड्थ हो गया और डी वाई थिकनेस हो गया, क्या हो जाएगा बी इंटू डी वाई एरिया ऑफ द स्ट्रिप। और क्या होता था, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, देखिए आपके सामने है, यही है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू वाई स्क्वायर, आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं आप, तो आई एक्स एक्स निकालेंगे आई एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा बी इंटू डी वाई, ये तो एरिया हो गया, इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का था, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ये क्या है आपका माइनस डी बाई टू से डी बाई टू प्लस तक, माइनस डी बाई टू से डी बाई टू तक होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ से डी बाई टू से डी बाई टू तक कर दिए आप, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, क्या आएगा, b तो बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई का क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई टू से डी बाई टू होगा। ध्यान दीजिए, b बाई थ्री तो बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यूब बाई ये क्या हो जाएगा डी क्यूब बाई टू टू द पावर क्यूब मतलब एट, और माइनस, और माइनस डी बाई टू का क्यू, तो माइनस पे क्यू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस जा रहा है, और इधर माइनस डी बाई टू का क्यू ले लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई एक्स एक्स इक्वल टू बी बाई थ्री तो बाहर ले लिए थे, ये डी क्यू बाई एट, और ये माइनस, और ये भी आएगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी क्यू बाई एट, ये क्या हो जाएगा b बाई थ्री, और ये डी क्यू बाई दोनों को जोड़ेंगे तो टू टू बाई एट मतलब फोर हो जाएगा, मतलब b डी क्यू बाई ट्वेल्व इक्वल टू आई एक्स एक्स, ये आपका निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल करके आ गया आपका आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू बाई ट्वेल्व, मतलब कोई आपका ये रेक्टेंगल था, यही था रेक्टेंगल, यदि ये लेंथ b था, विड्थ क्या था b था और डेप्थ d है, तो आई एक्स एक्स जो है क्या हो गया बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। ठीक ना, और ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है x x है, और ये क्या है y y है, अब y y यदि लेंगे तो ठीक इसी का क्या हो जाएगा आई वाई वाई। ठीक ना, यहाँ पर b लिए हैं x लिए हैं तो, और y लेंगे तो अब क्या ले लेंगे d, तो डी बी क्यू बाई ट्वेल्व। ठीक ना, तो आपने इसको आई एक्स एक्स लिया है, ठीक ना, और ये क्या है आई वाई वाई। लेकिन हम आपसे अभी जो है एक चीज बताए थे कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे तो हमेशा किसी न किसी लाइन के अबाउट निकालेंगे, यहां भी एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट निकाले हैं। मान लीजिए कि खुदा न खास्ता ये आपका कुछ ऐसा हो ए बी सी और डी, अब हम बोल रहे हैं कि जस्ट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट बेस ए बी। ठीक ना, इस ए बी के अबाउट जो है आप निकालिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम शॉर्ट में बता देते हैं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लेक्चर नंबर 43 में। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का निकालना हो आई बी सी का, मान लीजिए सॉरी आई ए बी से निकालना हो, आई ए बी का निकालना हो तो जिसका मालूम है सेंट्रोइड के अबाउट यदि मालूम है तो आई जी जी, आप क्या ये एक्स एक्स क्या है बेसिकली सेंट्रोइड यहीं पे होता है इसका, तो सेंट्रोइड के अबाउट जो है आई एक्स एक्स या आई जी जी लिखते हैं, आई जी जी मतलब सेंट्रोइड के अबाउट प्लस एरिया ऑफ दैट एलिमेंट इंटू एच का स्क्वायर। ये एच क्या होता है, एच क्या होता है पर्टिकुलर आपका
सेंट्रोइड का डिस्टेंस माइनस वाई बार होता है, ठीक ना, या वाई बार माइनस वाई भी हो सकता है, डिफरेंस एक्चुअली होता है, ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि निगेटिव आएगा, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यदि आई ए बी हमें निकालना है तो आई जी जी मालूम है, आई ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई ए बी निकालना है तो समझ जाइएगा आई एक्स एक्स यहाँ पर लिखेंगे, ए बी एक्स एक्स के पैरेलल है। यदि ए सी निकालना रहेगा तो हम ये आई वाई वाई लेंगे, ठीक है, तो आई एक्स एक्स प्लस एरिया क्या होगा, बी इंटू डी इंटू एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर एच क्या है समझिएगा, यहाँ पर एच क्या है, ये हाइट ए बी से इसके डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये डी बाई टू कितना है, डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आई एक्स एक्स कितना है, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व प्लस बी डी और डी स्क्वायर डी, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई फोर होगा कि नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो फोर और ये क्या हो जाएगा वन और ये फोर थ्री जा तो थ्री, तो फोर बी डी क्यू ये फोर से ट्वेल्व कट जाएगा, तो आई ए बी कितना निकलेगा, बी डी क्यू बाई थ्री। तो ये आपका क्या निकला कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक ना, और इस रेक्टेंगल में ये आपका बी है और ये डी है, ठीक ना, तो इसके अबाउट जो है यहाँ पर आप आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये आई एक्स एक्स इक्वल टू कितना निकला था आपका, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व, मतलब सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व, ठीक है। लेकिन यही जो है इसके अबाउट यदि आप निकालेंगे आई ए बी तो क्या निकला, बी डी क्यू बाई। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, जैसे ये वाई वाई है, ठीक है ना, तो आई वाई वाई कितना निकलेगा, ध्यान दीजिए डी बी क्यू बाई ट्वेल्व और आई जो है ए ए बी सी डी, तो आई ए सी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी क्यू बाई थ्री, ठीक है, डी बी क्यू बाई ट्वेल्व और डी बी क्यू बाई थ्री आई वाई वाई के अबाउट, ठीक है ना, यहाँ ए सी के अबाउट निकाले, ठीक है। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे और साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बताएंगे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, किसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, हर एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे। तो आज आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो आपको सेंट्रोइड निकालते आना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल सा फार्मूला है जो आपके सामने है अभी, ठीक ना, और जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं, जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं वह क्रॉस सेक्शन आपको अभी हमने बताया है कि कौन कौन से क्रॉस सेक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, टी एल एच आई एस, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो कॉम्बिनेशंस के हैं, वो हम बताएंगे वन बाई वन, ये तो बार बार जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आपको हॉलो सेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, किसकी, हॉलो सेक्शन की, ये हॉलो सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन सब हो गया, ये हमने आपको बता दिया, और इस सेक्शन के बाद सेंट्रोइड आप जब निकालेंगे तो सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, और किस तरह से पहले मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जब आप निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बताया, ठीक है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी लाइन के अबाउट निकालते हैं, तो या तो एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे, वाई वाई के अबाउट निकालेंगे, या कोई भी जो लाइन दिया रहेगा उसके रेफरेंस में निकालेंगे। हमने यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको बता दिया। अब इसके बाद जब थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो आपको बताएं कि जो है किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल बॉडी में यूज होता है, ठीक है। रोटेशनल बॉडी में हमेशा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में रोटेशनल बॉडी के लिए क्या रिलेशन होता है ये हमने आपको बताया, और रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट बताया, और साथ में
एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल करके बताए। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है इस तरह से हमने इसको बांट लिया है सेंट्रोइड के अबाउट। पहला हमारा कोशिश है क्या, सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालिए, ठीक है। उसके बाद ये अभी हमने बताया कि कैसे निकाले हैं, यदि आप इसके अबाउट निकालते तो जीरो से सीधा हम डी ले सकते थे, ठीक है। अभी माइनस डी बाई टू से डी बाई टू लिए हैं, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये जो है हमने सॉल्व करने के बाद जो है ये आई एक्स एक्स ये कुछ मिला है, ठीक है। उसी तरह से ये आई वाई वाई, ठीक है। यदि नहीं समझे हैं तो इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट बेस ये सब निकाले हैं, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और डिटेल में बताएंगे और प्रोडक्ट ऑफ इनर्सिया बताएंगे, साथ में ही जो है आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बताएंगे, और किस तरह से किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मोमेंट ऑफ इनर्सिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। लेकिन इस कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी टीडियस कैलकुलेशन, सो यू मस्ट हैव टू हैव द कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज बीइंग अलाउड इन योर इवन एग्जामिनेशन, एग्जाम में अलाउ रहता है। तो इसको आई थिंक कि आप समझ गए हैं, और जो है नेक्स्ट क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे अब साथ में। तो आई होप आज के लिए ये काफ़ी है, आप जो है इस क्रॉस सेक्शन को जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताएंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।